खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां 15 नवंबर की बजाय अब 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी। आपको बता दें, धान खरीदी के मसले पर मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक में फैसला लिया गया और इस बार 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया। बैठक के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था, सरकार उस वादे को पूरा करेगी। हम 2500 रुपए कीमत के साथ ही किसानों से धान खरीदेंगे। और जो धान खरीदी में बम्पर स्टॉक आने वाला है, उसके बारे में तैयारी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हमको 25 लाख मीट्रिक टन चावल लगता है, उसका धान होता है 38 लाख मीट्रिक टन। हमको खरीदना है 25 लाख टन, तो बाकी का जो धान है उसका निराकरण किस प्रकार से होगा, इसी के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना बनाने के लिए चर्चा हुई है। अभी एक कॉन्टेंट रहता है तो मासिक क्योंकि अधिक रहेगा तो उसमें फिर किसानों के लिए दिक्कत होगी, तो हम लोगों का विभाग का जो प्रस्ताव था किसको पुनर्दिन उसमें और प्रति छत्तीसगढ़ सरकार के